एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आज 9 और 10 अक्टूबर का दोनों वीडियो मिक्स करके मैं डाली हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं। मैं मतलब हिंदी में ही आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम झटपट बनने वाला एक रेसिपी है। ये है नूडल्स, मतलब चाउमीन, जो मैं बना रही हूँ अभी। सुबह का टाइम पर ही मैं बना रही हूँ एग एंड भेज के साथ। और ये रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक साइड में पत्ता गोभी कैरेट को कट करके आप एक साइड में एक पैन लेके बिठा दो, और एक साइड में आप नूडल्स को बॉईल करके थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिए। उसके बाद पानी वाटर को मतलब छान लेना है एक छन्नी की मदद से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तुरंत ही जो हमारे पास जो रनिंग वाटर होता है ना, उसी से धो लीजिए कोल्ड वाटर से। एकदम आइस वाला पानी नहीं चाहिए, जो नॉर्मल वाटर है ना वही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद धोने के बाद आप अच्छे से उसको एक साइड में रख दीजिए, थोड़ा सा ऑयल लगा के मिक्स करके लगा के। उसके बाद मैंने कैरेट और कैबेज को अच्छे से थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के थोड़ा फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो मैंने नूडल्स बॉईल करके रखा था उसको भी डाल दिया, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाला है हरी मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाल दिया। और आप लोग ब्लैक पेपर डालना मत भूलिए। ब्लैक पेपर में जो उसका स्वाद होता है ना, अपना ब्लैक पेपर का, उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मतलब स्वाद होता है खाने में। और मैंने उसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डाला था। आप चाहो तो जो चिल्ली सॉस आता है ना वो भी डाल सकते हो। चिल्ली सॉस डालने में भी बहुत मज़ा आता है। और मैंने 3 एग लिया था, उसको थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के ऐसे भुर्जी टाइप बना लिया था। उसके बाद ये झटपट ही बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठ गए। हम आज तो घर में हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, स्कूल बंद है, मतलब एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के 20 का ही ये वीडियो है। और अभी देखो बेटा चॉपस्टिक से लेफ्ट हैंड से खा रहा है मेरा हमजा बेटा। और ये देखिए मेरा प्लेट है, और ऊपर से थोड़ा सा ऑनियन कट कर लीजिए और हरी मिर्च कट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। किस किस को अच्छा लगता है ऐसे खाने में। और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे टोमेटो केचप भी डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। वैसे टोमेटो केचप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। ये मेरा प्लेट नहीं है, ये बेटी का है। और पहले पेट पूजा, उसके बाद काम तो दिन भर करना ही पड़ता है, काम तो करते रहेंगे है ना। पहले खा पी लेंगे तो तभी तो काम करने में इंटरेस्ट होगा ना। उसके बाद देखो अभी खाने के लिए मैं भी बैठ गई हूँ, सभी को दे दिया है खाने को। अभी हम चारों मिलके डाइनिंग के ऊपर मतलब बात भी कर रहे थे, खाना नहीं है मतलब ब्रेकफास्ट खा रहे थे। नूडल्स, चाउमीन, नूडल्स बोलो, कोई कोई लोग नूडल्स बोलते हैं, कोई कोई लोग चाउमीन, हम लोग तो चाउमीन ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। और ये वाला वीडियो मतलब ये रेसिपी है ना, जो चाउमीन वाला रेसिपी, ये मैंने पहले भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर। किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना।
और आप लोग चिकन चाउमीन भी बना सकते हो, चिकन डाल दो तो मज़ा आएगा। जो लोग भेज खाते हो भेज डाल दो, जो लोग नॉन भेज खाते हैं नॉन भेज डाल दो। और इसके अगले दिन देखो, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, बेटी का बर्थडे 9 अक्टूबर को था, फिर हमने नहीं मनाया था, उसका एग्ज़ाम चल रहा था। उसके बाद हमने 10 अक्टूबर को बेटी का बर्थडे मनाया। अभी बर्थडे केक कटिंग हो रहा है, अभी केक कटिंग होगा, उसके बाद बच्चों को खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग जो बड़े लोग हैं ना, हम लोग उस एक साथ ही बैठ जाएंगे। अभी मतलब खाने पीने का मतलब क्या बोलते हैं, खाने पीने का वर्क मतलब चल रहा है। ये देखिए केक खाना खिलाना चल रहा है। बच्चे का खुशी तो इसी में ही है ना। अब मतलब इतना बड़ा सामान तो कुछ भी नहीं चाहिए उन लोगों को, थोड़ा छोटा सा ही केक ही ला दो, उसी में ही खुशी हो जाता है बच्चे। और साल में एक ही बार तो होता है। और वैसे एग्ज़ाम भी ख़त्म ही हो गया था 10 को, शाम को आते वक्त उसके पापा ने केक लेके आया, और इवनिंग मतलब 7 o'clock 8 o'clock ऐसे बर्थडे केक कटिंग किया, तो बच्चों को भी मन अच्छा हो गया, बच्चे का मन खुश हो गया, दोनों बच्चे। और साबरीन को भी कहीं घूमने जाना था किसी के घर में, जब पता चला कायन्दिटी का बर्थडे है तो उसका मन भी मतलब खुशी हो गया। ये देखो ये है साबरीन, और ये है हमारा छोटा वाला मौसी, मतलब हमारे कायन की मौसी छोटी वाली। ये तीनों बैठ के खा रहा है, साइड में हमजा भी है, और हमजा तो कैमरे के सामने आते नहीं, उसको आप लोग देखते रहो आगे। ये देखो कैसे क्या कर रहा है ये बदमाश। उसके बाद हम बड़े लोग जितने थे, हमारी ये भाभी है, वो मेरी नानी है, हम लोग बैठ के अभी केक खाएंगे। और मैं भाभी के साथ बात कर रही हूँ, भाभी बोल रही है मुझे खीर नहीं खाना है, मैं 2 समोसे खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। मतलब तुमने बिरयानी बनाया है ना, थोड़ी देर बाद तो रात को बिरयानी भी डिनर में खाना पड़ेगा, इसीलिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।